जिस जगह से रोटेशन डाल रही है 8 बिट जरूर दिक्कतें खड़ी करेगी, और वहां पे तो सोल भी थी। सो एक दो से तीन टीमों के बीच में सैंडविच सिचुएशन में फंसी एसजी, बट स्टिल गमला बॉय यहाँ पे अभी हार नहीं माने, उन्होंने एक प्लेयर को नॉक ही नहीं सिक्योर भी किया है, और यहाँ पे रौनक धरा साई है। गमला बॉय अभी भी बचे हुए हैं, डेस्ट्रो को तो इजिली रिवाइवल दे देंगे, रौनक को दे पाएंगे क्या, ये चीज देखने वाली बात है, क्योंकि सामने मुझे मार्कोस गेमिंग देखने को मिलती है। रॉक जरूर है, उनको पता है फाइट हम निकाल सकते हैं, और एक ग्रेनेड, अगर एक ग्रेनेड यहाँ पे गया तो गमला बॉय का सफर खत्म हो सकता है। गमला बॉय के लगातार ग्रेनेड जाते हो दिख रहे हैं, क्या रॉक्स वहाँ पे ग्रेनेड करेंगे? अगर रॉक्स वहाँ पे ग्रेनेड करते हैं या वाइपर करते हैं तो मे भी गमला बॉय बाहर होंगे। वाइपर ने किया लेकिन वो ग्रेनेड वो, बट गमला बॉय तो लाइक मतलब पूरी फैक्ट्री लेके चल रहे, रुक ही नहीं रहे वहां पे, ग्रेनेड पे ग्रेनेड, ग्रेनेड पे ग्रेनेड, जितने थे सब थ्रो कर चुके हैं। स्मोक बॉल्स उन्होंने पहले कर दिए थे, ये चीज बहुत सही रही क्योंकि विजन ब्लॉक हुआ सामने वाले प्लेयर का, लेकिन उनका भी तो विजन ब्लॉक हुआ। जेपी गमला बॉय अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं, और वाइपर जी हाँ वो थोड़ा ये एरिया सही है, लाइक अगर आप हाइट एडवांटेज का फायदा उठा के जाओगे तो गमला बॉय के लिए दिक्कतें खड़ी करोगे, और वाइपर ने किया। एसजी जो लगातार चारों मैचेस में कंसिस्टेंट रही है, कल के तीन आज का पहला, और इसमें भी थी कई हद तक, बट सोल के हाथों होगी बाहर। सबके पास है तीन फंसे, पॉप इन करके अपने आपको जोन के अंदर लेके जाएंगे। सोल रॉक्स की अगर बात करते हैं, सामने की तरफ आपको मिलेगी 8 बिट के युवा जिनको जोन के अंदर आना है, तो उनको परेशान कर रहा है। यहाँ पे सेल्सियस के प्लेयर्स भी आपको 8 बिट के साथ फाइट लेते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन वाइपर एंड रॉक्स की ये जोड़ी कितने प्लेयर्स को लेके जाएगी वो देखने वाली चीज है। सुनामी सामने तरफ ब्लेड आउट पोजिशन के ऊपर है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे चांस लेना नहीं चाहिए, वो तो इजिली आपको फिनिश पॉइंट मिल जाने वाला है जो कि वाइपर को मिलेगा काफी बढ़िया तरीके से। चार फिनिश पॉइंट के साथ आपको टीम मिलेगी। रॉक्स ट्राई कर रहे कि स्मोक के अंदर अगर कोई प्लेयर हो तो काफी बढ़िया तरीके से उनको टेक डाउन किया जाए, लेकिन आपको मिलेंगे सेल्सियस के कुछ प्लेयर्स, लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ पे अभी भी आपके सामने खड़ी है, लेकिन किसी के ऊपर जाएंगे वन वन के ऊपर युवा तो लेना पड़ेगा यहाँ पे, वन वन हाथ में नजर आ जाएगी, लेकिन विक्सी ड्रोन शॉट काफी ज्यादा होगी। I think वहाँ पे कंफ्यूज हो गए दोनों प्लेयर्स में, इसमें किसके ऊपर शॉट कनेक्ट करें, उनके सामने जो था उस पर ट्राई किया, पीछे शॉट कनेक्ट हुए और सिलसिले सफर खत्म होगा। नाउ वी हैव लास्ट टू टीम, और ये प्लेऑफ का वीक 3 का दूसरा मैच है गाइस, और D2 का, और आपको देखने को मिल रही है एनिग्मा वर्सेस टीम सोल इन द लास्ट सर्कल गाइस। सो क्या लगता है वाइपर को किया बाहर टीम एनिग्मा?